हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रसाद वाली बूंदी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में और बहुत ही आसान है ये बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप उड़द की धुली हुई दाल। और हाँ, मैंने ये उड़द की धुली हुई दाल अच्छे से धो ली है और अब मैं इसे सोक करने के लिए रख दूँगी कम से कम 4 से 5 घंटे, या फिर आप ओवरनाइट भी सोक करने रख सकते हैं इसे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पतीला ले लूँगी और ये ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1 कप चीनी। ये क्वांटिटी में 250 ग्राम के आसपास होगी और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और इसे मैंने उबलने रख दिया है। देखिए ये चिपचिपी सी चाशनी बनके तैयार हो गई है और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून लेमन जूस डाल दूँगी। इससे इस चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनेंगे, जो एक सफ़ेद सी परत आ जाती है चाशनी में वो नहीं होगी। और ये चाशनी हमारी बनके तैयार है, हमें ऐसी चाशनी चाहिए थी। अब हम इसे साइड में रख देंगे। और ये देखिए मेरी दाल भीग के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसका सारा पानी निकाल के और फिर इसे पीस लूँगी मिक्सी में। और पहले हम सारा पानी निकाल देंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेंगे। और क्योंकि आज हम अपनी दाल को बूंदी बनाने के लिए पीस रहे हैं तो हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा पीसेंगे। मतलब पीसने के बाद भी थोड़ी सी ज़्यादा देर आप इसे चला लीजिएगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको बाद में दाल को फेंटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमें इससे बूंदी उतारनी है तो उसमें ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं होती। बस इसीलिए आप थोड़ा सा अपना काम ईजी करने के लिए इसे मिक्सी में ही फेंट लीजिएगा 2-4 मिनट फालतू चला के। ये देखिए ये अच्छे से पिस गई है और ऐसी गाढ़ी गाढ़ी ही पीसनी है हमें, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी। देखिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए बूंदी बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ एक बाउल ले रही हूँ और उसमें मैं ये डाल रही हूँ 1/2 कप हमारी मैदा। और आप जितनी मैदा ले रहे हों आपको उतना ही पानी डालना है। तो ये हमारी 1/2 कप मैदा थी तो इसमें मैं 1/2 कप ही पानी डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जितनी हमारी मैदा है उतनी ही यहाँ पे मैं ये उड़द की दाल जो हमने पीस ली थी वो ले रही हूँ। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे। थोड़ा सा मैं इसमें एक कलर डाल दूंगी, फूड कलर है ये, थोड़ा सा डालूंगी। और देखिए बिल्कुल 1 पिंच से भी थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा डाला है मैंने इसमें, और ये डालना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी बूंदी बहुत अच्छी और परफेक्ट बनेगी। तो आप ये बिल्कुल 1 पिंच डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसे। और देखिए हमें इस तरह की झरर चाहिएगी, हम इस तरह के झरर लेंगे और आपका तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ हमारा तेल। आपका तेल अच्छा गर्म होना चाहिए कि आपकी जो बूंदी डले वो फूल के ऊपर आए बढ़िया से। तो ये देखिए ये मेरा तेल बिल्कुल गर्म है। अब मैं ये झरा ऊपर रखूंगी और 1 चम्मच बैटर अपना भर के पे डालूंगी इस तरह से। और ये बहुत ऊपर से, जितनी आप ऊपर से डालेंगे उतनी अच्छी आपकी बूंदी बनके तैयार होगी।
गैस की फ्लेम आपको तेज ही रखनी है, स्लो नहीं करनी है। और अब मैं ये सारी बूंदी हमारी निकाल लूँगी। आप देखिए इसकी आवाज़ सुनिए, आपको इसकी आवाज़ से ही पता चलेगा ये कितनी क्रिस्पी है। इस तरह से मैं सारी निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं आपको एक टिप और भी दूंगी, आप जब भी अपनी झारे में दोबारा बैटर डालें तो उसे साफ़ कर लीजिए, धो लीजिएगा। तो मैंने यहाँ साफ़ कर लिया है। गैस हमारी बिल्कुल तेज ही होनी चाहिए और आप जितनी ऊंचाई से इसे डालेंगे उतनी ही अच्छी बूंदी बनती है आपकी। देखिए कितनी अच्छी बिल्कुल मोतियों जैसी हमारी बूंदी बन रही है। और देखिए यहाँ ये ले ली है मैंने चाशनी और ये मैं डाल दूंगी इस चाशनी में हमारी बूंदी। और बस एक से दो मिनट में इसमें इसे डूबने दूंगी और फिर उसके बाद निकाल लेंगे हम अपनी बूंदी को। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे चाशनी में से भी निकाल लिया है और देखिए कितनी दानेदार कितनी अच्छी बूंदी बनके हमारी तैयार हुई है। सिर्फ एक कटोरी मिक्सचर से हमारी इतनी सारी बूंदी बनके तैयार हुई है। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितने कम सामान से हमने घर पे इतनी आसानी से ही प्रसाद बना के तैयार कर लिया है जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।